तो अब तक आपने देखा कि मेरी पीयूष और अभिषेक के साथ बहुत ही बुरी इंटेंस वॉर हो जाती है, और बहुत देर वॉर करने के बाद फाइनली पीयूष मर जाता है। तो पीयूष के मरने के बाद अभिषेक ही अकेला बच रहा था, इसलिए हम दोनों मिलके अभिषेक को भी मार देते हैं। और फिर हमें लगता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उनसे लड़के कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, तो इसलिए आर्यन और मैं अपने बेस की तरफ आ जाते हैं। और फिर अपने बेस पे पहुंचकर हम अपना घर बनाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई घर भी नहीं था रहने के लिए। और जब तक हम अपना घर बना रहे थे, तब तक पीयूष और अभिषेक नेदर में आके अपने सीक्रेट बेस के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे उनका नेदराइट का आर्मर लेते हैं। और उसी सीक्रेट बेस के अंदर वहाँ पे 3 विदर स्कल भी रखे थे विदर स्पॉन करने के लिए। पीयूष और अभिषेक हमारे बेस में आते हैं और वहाँ पे विदर स्पॉन करते हैं, और तभी ये दोनों हमारे बेस पे विदर स्पॉन करके भाग जाते हैं। तो अब तो विदर को मारना ही था, पर विदर को मारते मारते आर्यन मर जाता है। और फिर मैं विदर को मारता हूँ और उससे उसका नेदर स्टार भी मिल जाता है, पर आर्यन भाई के पास कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए मैं एक डायमंड आर्मर बनाता हूँ। और हमें उस टाइम सिर्फ बदला लेना था, और बदले की आग में हम पहुंच गए उनकी SMP में। और यार, हमने गलती कर दी यहाँ आके, क्योंकि हमारे पास अभी डायमंड का ही आर्मर था और उनके पास फुल नेदराइट आर्मर था, तो इसलिए वो दोनों मिलके हम दोनों को मार देते हैं। और अब आगे, और यार होप करता हूँ आपने सारे एपिसोड तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको जल्दी से जाके चैनल पे देख लो। और यार ये वीडियो हमारे चैनल की 50वीं वीडियो है, मतलब ये हमारे चैनल पे 50वीं वीडियो होने वाली है। वैसे पहले तो बहुत सारी वीडियो थी, 100 से भी ज़्यादा, बट अभी वो प्राइवेट है। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस सीरीज़ के SMP का नाम तो सोच लिया है, जो कि है हाँ भवंडर SMP। क्योंकि भाई यहाँ पे आए दिन भवंडर आए जा रहे हैं, जैसे कि पिछली बार यार उन लोगों ने हमारे बेस के ऊपर विदर स्पॉन कर दिया था, तो इस एपिसोड में उनसे बदला तो लेना ही है हमें। और यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं लाइक गेम सेट कर देता हूँ, जो कि है यार 7000 लाइक का। होप करता हूँ ये जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। और यार 90% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यार सब्सक्राइब कर दो। इस ईयर एंड तक मेरे को 25K प्लस जाना है, 30K तो नहीं हो पाएंगे, बट 25 हो सकते हैं अगर आप कोशिश करो तो। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आर्यन भाई, आपको याद है ना वो दिन जब हमारे इतने अच्छे बेस पे, जब हमने अपना घर ही बनाया था, तब उनने हमारे बेस के ऊपर विदर स्पॉन कर दिया। हाँ भाई, मुझे भी याद है, और आज भी मैं बदले की आग में हूँ। तो अब हमें उनसे बदला लेना ही पड़ेगा, मतलब अभी तक हम सिर्फ वॉर कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, उनका बेस तो हमने भी नहीं तोड़ा ना, उनने कैसे विदर स्पॉन कर दिया। अब ये SMP बचने नहीं वाली भाई। हम करेंगे क्या, हम भी विदर स्पॉन करेंगे क्या? नहीं आर्यन, हम विदर से भी बहुत भयानक चीज करने वाले हैं। विदर से शायद ही कोई मरेगा, बट जो चीज हम करेंगे उससे भाई दोनों नहीं बचने वाले। अभी के लिए हम एक काम करने वाले हैं, अभी देखो बहुत सारे TNT बनाने हैं, तो फिर तू जा इस साइड और यहाँ से बहुत सारा सैंड कलेक्ट कर ले। भाई मेरे को TNT बनाने हैं, तो मैं सैंड इकट्ठे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गन पाउडर का फार्म भी देखा था, वो भी ले लेता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, अभी तक मैंने कोई फार्म तो यहाँ पे देखा ही नहीं। गन पाउडर फार्म यहाँ पे बन रखा है, मुझे पता ही नहीं था, एक बार मेरे को दिखाइयो कहाँ पर है वो फार्म। और यार एक सेकेंड, ये चेस्ट तो वही वाली चेस्ट है जब मैं आर्यन को प्रिजन से बचाने जा रहा था, तभी मैंने ये चेस्ट बना के अपना सामान रखा था। अच्छा हुआ भाई मैंने सामान यहीं पे रखा था, और किसी ने लिया भी नहीं, भाई मेरा सारा सामान बच गया। चलो ये आखिर में सही समय पे तो काम आया। गन पाउडर फार्म नहीं देखना क्या? अरे भाई आ रहा हूँ, सामान ले रहा था अपना। कहाँ पर है बता, गन पाउडर फार्म? हाँ भाई यहाँ से सीधा चलते रहो, आपके सामने ही गन पाउडर फार्म। ओ ये बड़ा वाला फार्म उन दोनों ने बना रखा है, तो फिर ये गन पाउडर फार्म ही नहीं XP फार्म भी होगा।
तो ये देखो यार, यहाँ पे मॉब्स तो स्पॉन हो रखे हैं, मतलब ये फार्म पूरा वर्किंग है और ये क्रीपर फूट रहा है यहाँ पे। ओ भाई, हम दोनों की वजह से ये पूरा फार्म खराब हो गया। फिलहाल अभी चेस्ट देखते हो भाई साहब, चेस्ट के अंदर जो इतना सारा गन पाउडर है। ले TNT बना लियो, मैं अभी जा रहा हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा रेडस्टोन भी चाहिए। तो अभी RN TNT बनाएगा और मैं अभी रेडस्टोन के ऊपर काम करूँगा। भाई सैंड कलेक्ट करने के लिए शवल है क्या? भाई शवल तो नहीं है, तू एक काम कर, ये आयरन ले ले, इससे तू शवल बना लियो। जल्दी जाके TNT बना और ध्यान रखियो, वो दोनों कभी भी इस SMB के अंदर लॉग इन हो सकते हैं और तू मिल गया तो तेरे को आराम से मार देंगे, क्योंकि तेरे पे कोई आर्मर भी नहीं है। हाँ भाई, मैं तो छुप जाऊंगा आराम से। हाँ बढ़िया है। और यारो, हमें इनसे छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आर्मर भी नहीं है, और अगर बाय चांस वो लॉग इन हो गए हमें देख लेते हैं तो हम तो बचने वाले नहीं है, क्योंकि हमें वो सीधा मारने आएंगे। और अभी मेरे को यहाँ पे आयरन और कोल मिला है। तो यार अब देखो, मतलब मैं नीचे स्ट्रेट डाउन डिगिंग कर रहा था क्योंकि मैं ऊपर से सीधा स्ट्रेट लाइन में एकदम नीचे आया हूँ। मेरे को लगा नीचे तो यार मेरे को कोई केव वेव मिल ही जाएगी या फिर 1.18 की कोई केव तो मिल ही जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो अभी मेरे को कॉबलस्टोन लगा के ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर फाइनली इतने देर घूमने के बाद मेरे को 1.18 की केव्स तो मिल चुकी है। और यार देखो यहाँ पे कितना अंधेरा है और इतनी बड़ी बड़ी केव्स है ना, ये केव एनक्रिप्ट का पार्ट 2 है। मैं यहाँ पे रेडस्टोन डायमंड ढूंढ रहा हूँ और मेरे को मिल गया एमेथिस चंक, और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एमेथिस शार्ड और उसका हम स्पाई ग्लास बना लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों, वरना इन ब्लॉक्स का ज़्यादा कुछ यूज़ तो होता नहीं है। हम डेकोरेशन कर सकते हैं इन ब्लॉक से, वो अलग बात है, हम डेकोरेट तो कुछ कर नहीं सकते इस SMB के अंदर क्योंकि ये SMB ऐसी। और अभी तक मुझे रेडस्टोन नहीं मिला, उसकी जगह डायमंड मिल गया, मतलब यार रेडस्टोन इतना भी रेयर नहीं होता। और यहाँ से मुझे 3 डायमंड्स मिल गए, इससे एक स्वॉट तो बनी जाएगी। चलो फाइनली रेडस्टोन मेरे को मिल ही गया, मतलब इसकी जगह मेरे को डायमंड मिल गए, रेडस्टोन नहीं मिल रहे थे, अब चलो मिल ही गए रेडस्टोन। और यहाँ पे मेरे को कॉपर भी मिला है, कॉपर मिला है तो ले ही लेते हैं क्योंकि इससे स्पाई ग्लास बन जाएगा, वरना तो ये किसी काम का तो होता नहीं। और रेडस्टोन मिल जाता है मेरे को यहाँ पर, और फिर आगे थोड़ा दूर जाते ही मेरे को फिर से डायमंड्स मिल जाते हैं। मतलब सच में अगर इतने डायमंड और मिलते रहे तो इतने में मेरा डायमंड आर्मर ही बन जाएगा, बट अभी मेरे को डायमंड आर्मर की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम वॉर करने नहीं जा रहे हैं भाई, अभी हम बदला लेंगे। तो अभी मैं उस केव से तो आ चुका हूँ। हेलो हेलो आर्यन भाई, कहाँ हूँ? हाँ नहीं भाई, आ रहा हूँ, आ गए माइनिंग से। हाँ माइनिंग से मेरे को वो सब चीज़ें तो मिल चुकी है। हाँ भाई आ गया। और अभी मेरे से ये सब सामान भी ले लें, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया था तेरे लिए भी। और तेरे से TNT बोले थे ले आया ना बना के? हाँ भाई TNT तो मैंने बना लिया, और मैं थोड़ी देर के लिए माइनिंग पे भी चले गया तो वहाँ से मैंने रेस्टोरेंट तो कलेक्ट कर लिए। ओ भाई तू माइनिंग पे भी चला गया, चल सही है। और अभी के लिए तू ये स्पाई ग्लास भी ले लें, ये क्या पता तेरे काम आ जाए। भाई ये स्पाई ग्लास कहाँ मिल गया आपको? अरे मुझे माइन के अंदर एमेथिस्ट चंक भी मिला था और मुझे डायमंड्स भी मिले थे, तो डायमंड की 2 स्वॉट भी बना लेता हूँ तेरे लिए और मेरे लिए भी। ये ले एक डायमंड की स्वॉट, तू भी रख ले। भाई सारा आपने रेडस्टोन तो मंगवा लिया, लेकिन इसे हम बनाएंगे क्या? अरे आर्यन तू अभी भी नहीं समझा, हम TNT कैनन बनाएंगे भाई। अच्छा TNT कैनन? और हाँ हम चाहते हैं कि TNT कैनन के सारे TNT यहाँ आके फूटे, तो इस हिसाब से हमें TNT कैनन इस साइड आकर, हाँ ये जगह परफेक्ट है, यहाँ पे बनेगा अपना TNT कैनन, ताकि उड़ के TNT एकदम SMP वाली जगह पर जाए। और यार ये TNT के बीच में ये कौन सा खंबा आ रहा है, इसको पहले तोड़ते हैं। और आर्यन तेरे से जो जो सामान मैंने लाने के लिए बोला था वो सब सामान मेरे को दे दे। और अभी TNT कैनन के लिए बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो अभी TNT कैनन जहाँ बनने वाली है वहाँ का पूरा प्लेटफॉर्म तो हमने बना दिया है, और अब बारी है TNT कैनन बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले तो 2 डिस्पेंसर आपको ऐसे लगाने होंगे, और कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे इस साइड लगा देना, और इसके अपोजिट साइड पे आपको भी ऐसे ब्लॉक लगाने हैं, बट लास्ट में जाके एक डिस्पेंसर लगा देना है। और इस कैनन में 3 डिस्पेंसर लगने वाले हैं, और एक वाटर बकेट यहाँ पे लगा देना है इस तरह। अब 2 डिस्पेंसर के अपोजिट साइड पे रिपीटर लगाने हैं हमें पूरी जगह पे, बट डिस्पेंसर के ऊपर हमें रिपीटर नहीं लगाने हैं, वहाँ पे आप रेडस्टोन लगा दो।
और फिर इतना काम हो जाने के बाद आपको रेडस्टोन पीछे की सारी जगह पे लगा देना है। बस आपका सारा काम तो हो ही गया, बस आपको यहाँ पीछे आके एक लीवर लगाना है। अब बस हो चुका है सारा काम। और आर्यन, तू मेरे को सारे अपने TNT दे दे, जो भी मैंने मंगवाए थे सारे दे दे। और अब बस अपने सारे TNT को लेकर वो जो डिस्पेंसर रखे हैं तीनों के अंदर अपने TNT डाल देना। बस आपका सारा काम तो हो गया, बस आपको ये लीवर दबाना है और फिर आपका TNT कैनन वर्क करने लगेगा। और एक सेकेंड, ये जो रिपीटर है उसको फर्स्ट स्टिक पे सेट ज़रूर कर लेना। और अभी लीवर को दबाते हैं और यार देख सकते हो TNT कैसे निकल रहे हैं। और यार ये TNT, ओ भाई साहब, वो देखो एक TNT SMP के अंदर सीधा गया है, मतलब हमने एकदम अच्छे से ये पूरा TNT कैनन बनाया है। और यार देखते हैं वो जाके कहाँ फूटा है। भाई साहब मेन SMP की जगह पे तो फूट चुका है, तो मतलब यार हमें आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे हमें अपना पूरा TNT कैनन एकदम सही बनाया है। बस इस फार्म की एक दिक्कत है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं चलता, इसको बार बार ही लीवर दबाना पड़ता है तब जाके इसके अंदर से TNT निकलते हैं। तो हमें इसे ऑटोमेटिकली बनाने के लिए 8x8 का एक स्क्वायर बना लेना है। तो आपको पहले यहाँ पे स्टिकी पिस्टन रखना है और फिर रेडस्टोन का ब्लॉक और फिर ऐसे रिपीटर लगाने हैं। और अब बस इस पिस्टन के पीछे लीवर लगा देना है। अब यहाँ पे आपका सारा काम खत्म होता है। और यार इस कैनन को एक बार ही चला के देखते हैं ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। अच्छे से वर्क तो कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे TNT आके फूट रहे हैं। तो आर्यन क्या तू तैयार है अपने बदले के लिए? हाँ भाई तैयार हूँ, बस वो सारी जगह तोड़ दो। और अभी हमें जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा क्योंकि अभिषेक और पीयूष अभी सर्वर में भी लॉगिन हो गए हैं और वो दोनों एकदम सही जगह पे खड़े भी हैं। 3, 2। भाई पीयूष तो फंस गया, नीचे TNT बरसे जा रहे हैं। पीयूष तो मर गया TNT से, क्या कर रहा है? भाई साहब यहाँ पे इतने सारे TNT गिर रहे हैं, भागो। ओ शिट, मैं यही गिर गया। ओ मेरे ऊपर इतने सारे TNT, अब मैं गया। ये SMP का क्या हाल हो रहा है, यहाँ पे पूरा रिवीन बनता जा रहा है। हाँ भाई वो दोनों मर गए, हमारा बदला पूरा हुआ। और ये क्या कर दिया TNT ने भाई, हमसे भी ज्यादा बड़ी रिवील बन गई है यहाँ पे तो। और अब ये लोग कहाँ मर रहे हैं, लावा में। और यार अभी भी TNT आ रही है भाई, यहाँ तक TNT आ जा रही है। बस यार एक बारी नीचे देखो, मतलब लग रहा है ना एकदम रिवीन। एक बारी मैं गिर गया ना मैं सीधा मर जाऊंगा, इतना बड़ा रिवीन बन चुका है ये। और यार जो बेड वाली साइड है वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे भी TNT लगा देता हूँ। भाई यार ये पूरा SMP ब्लास्ट कर देंगे हम तो। भाई भाई बस बस मैं ही मर जाऊंगा ऐसे तो। यार तुमने मेरी पूरी SMP का तहस नहस कर दिया। अच्छा जब तुम लोगों ने हमारे बेस के ऊपर विदर स्पॉन किया था तब भूल गए? ये देखो सामने इतनी बड़ी रिवीन घड़ी कर दी, हमने तो तुम्हारा विदर से इतना नुकसान भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, विदर स्पॉन ही क्यों किया था तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? एक सेकेंड, ये कौन है UK Online?
मैं बाबा हूँ, मेरा नाम यूके ऑनलाइन है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें सर्वर का आईपी पोर्ट कैसे मिला? मैं बाबा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम लड़ते क्यों रहते हो? मैंने यूट्यूब पे तुम्हारी सारी वीडियोस देखी, तुम जब देखो तब लड़ते रहते हो, हर एक वीडियो में तुम फाइट करते हो। बाबा हम क्या करें, वो ही हमसे पंगे लेते रहते हैं। तुम ही पहले एसएमपी में आए थे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग चाहते क्या हो? बाबा मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों हम लोग से माफ़ी मांगे। अच्छा और तुम क्या चाहते हो अभिषेक? मैं तो बस चाहता हूँ कि ये दोनों एसएमपी से चले जाए। अच्छा फिर ठीक है, तुम सब यही चाहते हो ना कि एसएमपी में कौन जीतेगा? अच्छा फिर ठीक है, आज से एक हफ्ते बाद एक 3 राउंड का मैच होगा, जो इस मैच को जीतेगा वो इस एसएमपी का विजेता होगा।